इशू और भी एमएम हम ले और करगिल के लोग एक अरसे से हमें ये कहा गया था कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यहां कर लोगों का एम्पावरमेंट होगा, लोगों का विकास होगा, लेकिन हमसे तो लेजिस्लेचर भी छीन लिया गया, हमसे तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं रही, बल्कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ बातचीत का भी एक सिलसिला शुरू किया था, खासकर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लै एफेक्ट्स बॉडी के साथ, जो सिलसिला भी गवर्नमेंट ने दो महीने से इसको पेंडिंग रखा हुआ है। हम जमीयतुल उलमा इस्नाशरिया की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आपके द्वारा कि गवर्नमेंट जल्द अज जल्द बातचीत का सिलसिला शुरू करें, यहां के लैंड एंड जॉब सिक्योरिटीज को यकीनी बनाए, क्योंकि यहां हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ रही है बहुत तेजी से, हमारे यहां जो लैंड का कोई लॉस नहीं है, हमारे यहां जॉब का कोई इस वक्त कोई लॉस नहीं है, खासकर हमारे गेजेटेड पोस्ट अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की तरफ से आए हैं, उसमें एलआरसी का कोई अमल दखल नहीं है, जितना भी पोस्ट आए हैं वो सब ओपन है। इसमें एक चीज और ये मैं ऐड करना चाहूंगा मैम कि बहुत सारे एम्प्लॉयज जो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर से यहां लाए जाते हैं और यहां के जो यूटी ऑफ लद्दाख के जो एम्प्लॉयज हैं उनको वापस यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली वहां से रिप्लेसमेंट मांगते हैं, रिप्लेसमेंट का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब हम यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख अगर अलग है तो यहां पे वैकेंसीज को फुलफिल किया जाना चाहिए, न कि वहां से लाके फिर से रिप्लेस कर दिया जाए, इससे यहां के लोगों का एम्प्लॉयमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैम हम चाहते हैं कि यहां के लोगों की एम्प्लॉयमेंट को यकीनी बनाया जाए, इसके लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 3 साल से कोई ठोस पॉलिसी लाने में नाकाम हुई है, खासकर अभी आप देखेंगे जम्मू में जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें डोमिसाइल लॉ के तहत जो है वो रिक्रूटमेंट गेजेटेड पोस्ट्स के लिए हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली लद्दाख में गेजेटेड पोस्ट्स के लिए अभी तक जो रिक्रूटमेंट हुई मैम उसमें नॉन लद्दाखी के लिए भी ओपन रखा गया है, जो हमारे लोगों को मुतासर कर सकती है, क्योंकि हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होने की वजह से इक्वल राइट्स भी नहीं हो पाते हैं हिंदुस्तानी मुसलमान के। हम जब हिंदुस्तान का कानून पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज जो पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और उस लोक में कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होती, कोई रंग नहीं होता, कोई नस्ल नहीं होता। पहले तो मैं बहसत एक हिंदुस्तानी मुसलमान के आपके सामने अपनी बात रखूंगा, वो ये कि एक अरसे से हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप और एक खास सोच के लोग इस देश के मुसलमानों को और दीगर अकलियतों को भी ओपनली, छुपे हुए नहीं ओपनली थ्रेट करते हैं कि उनका जेनोसाइड किया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा, हथियार उठाओ और इनका कत्ल कर दो वगैरह वगैरह की चीजें। चूंकि माइनॉरिटी कमीशन का एक रोल यह भी है कि वो माइनॉरिटीज के राइट्स को सेफगार्ड करें, इसीलिए मैं आपके सामने ये बातें कर रहा हूं। और न सिर्फ ये बल्कि जितने भी रिलीजियस इंतकादात हैं उसको छुपे हुए नहीं बल्कि ऐलानिया तौर पर उसके खिलाफ हमला होता है, खासकर हमारे प्रॉफिट इस्लाम के प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के खिलाफ जो है ओपन नरसिंहानंद ने और उसके जितना जो धर्म संसद हुआ अभी हाल ही में हमने देखा हरिद्वार में, न उनके खिलाफ कोई सीरियस एक्शन होता है, न उनके खिलाफ कोई बोलने वाला है, और अनफॉर्चुनेटली हमने ये भी देखा कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी कहीं पे नजर नहीं आया, उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट सॉलिड स्टेटमेंट आना चाहिए था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आप ये देखें मैम कि जैसा आपने कहा कि हम लद्दाख के अंदर जो माइनॉरिटीज है बुद्धिस्ट और मुसलमान, हम लोग दोनों माइनॉरिटी हैं लेकिन दोनों मेजोरिटी भी हैं। एक वाकया अगर यूपी में सिटीजन की हैसियत से भी, और हम देखते हैं मैम कि लद्दाख हिल काउंसिल लेह के अंदर और हमारे लद्दाख हिल काउंसिल का जो एक्ट है उसमें 2 महिलाओं के लिए और 2 प्रिंसिपल माइनॉरिटीज की सीटें होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि लेह हिल काउंसिल के अंदर एक माइनॉरिटी सीट को डायल्यूट किया गया और एक महिला की सीट को भी डायल्यूट किया गया है। बहसियत एक औरत के भी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इन इश्यूज को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करें, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बड़ा इनजस्टिस किया है लेह के अंदर और वहां के महिलाओं के साथ भी और वहां की माइनॉरिटीज के साथ भी। एक इशू और भी एमएम हम लेह और करगिल के लोग एक अरसे से